الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں بسنے والی جتنی قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان میں دو چیزیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ پہلی چیز تعلیم اور دوسری قربانی، قربانی کا جذبہ۔ یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس قوم کے اندر یہ صفات یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی وہ قوم یقیناً دنیا میں ترقی کرے گی۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ بھی صدیوں پہلے اسی طرح چمکدار ہے اور شاندار ہے۔ صدیوں پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان کے اندر دونوں چیزیں تھیں، تعلیم بھی تھی اور جذبہ قربانی بھی تھا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے حالات کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، نہ تو قربانی کا جذبہ ہے اور نہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان میں ٹاپ سائنٹسٹ کی فہرست نکال لیجئے، جو ٹاپ سائنسداں ہیں، بڑے سائنسداں سائنٹسٹ، ان میں کہیں کوئی نام مسلمان کا مل جائے تو غنیمت جانیے۔ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں ایک نام بھی کسی مسلمان سائنٹسٹ کا آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ دنیا میں جو بڑے ٹاپ سائنس داں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کی فہرست نکال لیجئے، گوگل پر جا کر چیک کر لیجئے تو شاید ہی کوئی مسلمان نظر آئے۔ ہم بالکل غائب ہیں دنیا سے، رہتے تو ہیں دنیا میں لیکن دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم صدیوں سال پرانی اپنی تاریخ دیکھیں تو ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء اور سائنٹسٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ بو علی سینا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اپنے دور کا یہ بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے۔ ان کی کتاب ہے القانون فی الطب،
ये इतनी शानदार किताब इन साहब ने लिखी है कि जिसे आज भी बड़े बड़े साइंसदान जो मेडिकल साइंस से मुतालिक हैं इस किताब से फ़ायदा उठाते हैं। वो अली सीना की अल कानून फी तिब ऐसी किताब है। आज के दौर में कोई इनके पल्ले का आदमी मुसलमानों में नहीं पाया जाता कि जो कोई ऐसी किताब लिखे मेडिकल साइंस में या जोग्राफिया में या तारीख में या अलजबरा में मैथमेटिक्स वगैरह में कि जिससे दुनिया के लोग फ़ायदा उठाएं। कहाँ गए लोग, आज क्यों नहीं पैदा होते? बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिन्होंने मैथमेटिक्स पर काम किया, जोग्राफिया पर काम किया, तारीख पर काम किया, इसी तरह बायोलॉजी पर काम किया। बहुत सारे लोग हैं हमारी तारीख में, लेकिन अब वो तारीख का हिस्सा है। हम अपने आप को देखें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। पिछली सदियों में इतनी तरक्की नहीं हुई थी जो तरक्की आज हुई है। आज लोगों के पास पैसा भी है, शोहरत भी है, कारोबार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। आपको ये एहसास रहना चाहिए आपके अंदर और हर मुसलमान के अंदर कि मुसलमान इस दुनिया की क़यादत और इमामत के लिए पैदा किए गए हैं। ये मुक्तदी बनकर नहीं भेजे गए हैं। सारी दुनिया की कौमों की इमामत के लिए, क़यादत के लिए मुसलमानों को बरपा किया गया है। लेकिन आज हम कहाँ हैं? बहुत पीछे हैं, कहीं शुमार ही नहीं है, गिनती में भी नहीं है। अब से चंद बरसों पहले एक नाम आता था हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम का, वो फौत हो गए, उनके बाद कोई आदमी नहीं है। सदियों में एक आदमी पैदा हुआ जो टॉप लिस्ट में था, लेकिन अब कोई नहीं है। क्या हम लोग अच्छे इदारे, अच्छे कॉलेज साइंस और मेडिकल साइंस के तहकीक के कायम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कौम के पास बहुत कुछ है। जिस कौम के अफराद अपनी बेटी की शादी में एक एक किलो, दो दो किलो सोना दे सकते हो, मंगनी में 20-25 लाख रुपए लड़के को दे सकते हो, क्या उस कौम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कॉलेज बना ले, वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना ले, वो मेडिकल कॉलेज बना ले, वो साइंसी तहकीकात के लिए कॉलेज बना ले? है सब कुछ, लेकिन फिक्र नहीं है। हम लोग खुश हो जाते हैं अपने बड़ों की तारीख पढ़कर, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हुए हैं, इस तरह के अशार सुनकर भी बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ताज आज सर पे क्यों नहीं है? ताज सरों पर होता है, अजायब घर में रखने के लिए नहीं होता। आज हम न सियासत में हैं, ना तिजारत में हैं, और ना ही तालीम के मैदान में, कहीं कोई हैसियत हमारी नहीं है। अब हम लोग अपने मुंह में या मिट्टू बनते रहे तो इससे होता क्या? हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारे फलां खानदान में फलां साहब ऐसे थे, उन्होंने फलां काम किया, उन्होंने फलां काम किया,
उन्होंने ये बना दिया, आप क्या कर रहे हैं? वो तो बना के चले गए, उनका अजर उनको मिल रहा है, आपकी और मेरी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हम उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल रहे हैं? उनसे ज्यादा वसाइल आज हमारे पास हैं, वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सोच नहीं है, वो फिक्र नहीं है, वो तहरीक नहीं है। जो सोचो फिक्र हमारे बड़ों के अंदर थी, हम इसी में खुश हो रहे हैं और फूले नहीं समाते हैं। रहा हमारे दादा और हमारे परदादा और हमारे फला दादा और हमारे फला खानदान के, उन्होंने ये किया और ये किया और ये किया। जिन्होंने किया वो अजर पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको सोचें। हम अपनी जिम्मेदारी कितनी अदा कर रहे हैं इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हम पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। और मेरे भाइयों, आज जो सूरत हाल हमारी है, अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। घंटी बज रही है, सदाएं दी जा रही हैं कि तैयार रहो उस जगह जाने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए जहां कभी वो कौम हुआ करती थी जिसको लोग अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होते थे, जिससे लोग अपने जूतों पर पॉलिश कराते थे, जिससे लोग अपने जूते, फटे हुए जूते और चप्पल सिलवाते थे, उस जगह जाने के लिए तैयार रहे। हम नहीं तो हमारी नस्लों का हाल यही होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये घंटी बज रही है और ये हालात बन रहे हैं। सोचें, गौर व फिक्र करें। दुनिया में ऐश व आराम, खाना और पीना, यही जिंदगी नहीं है कि हम ऐश व आराम के घरों में रह लें, हम आला से आला खाने खा लें, उम्दा से उम्दा डिशें बना लें। बहुत अच्छा है, खाइए। अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, लेकिन साथ में कहा वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची से बचो, फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्ची से पैसा बचाकर जहां पैसा खर्च करना है वहां खर्च करो। आज आप इसी दिल्ली में देख लें, इस वक्त जो सूरत हाल हुई है कोरोना के पीरियड में और अभी भी खतरा बना हुआ, अस्पतालों का क्या हाल था? क्या मुसलमानों को अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है? क्या मुसलमान इस मर्ज से में मुब्तला नहीं हुए? अस्पतालों में बेड नहीं थे, लोग दाखिल नहीं हो पा रहे थे, इतने खतरनाक हालात थे। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह ताला के भी हम जवाब दे हैं और दुनिया में भी जवाब दे। कितने बुरे हालात से कौम गुजरी है और आज भी खतरा बना हुआ है। कल मालूम नहीं क्या सूरत हाल पेश आए। तो जहां नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजे रखना जरूरी है, हज और जक़ात की अदायगी जरूरी है, उसी के साथ ये समाजी और समाजी बहबूद के काम, माशरती फलाह के काम, ये भी जरूरी है। हम कुरान करीम पढ़ते ही नहीं हैं। कुरान करीम पढ़ें तो सारे मामलात उसके अंदर मौजूद हैं। मुस्तहिक लोगों की खिदमत, गरीबों की खिदमत, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 23 साल ज़िंदगी खिदमत खल्क से भरी हुई है, तालीम से भरी हुई है, तालीम की तरफ तरकीन और तरगीब से भरी हुई है। मेरे भाइयों गौर करें, हम सोचें अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए कि हम तो चले जाएंगे और हर एक को जाना है, जिनको हम छोड़ कर जा रहे हैं किस हाल में छोड़ कर जा रहे हैं, क्या कोई तैयारी की है? एक तो तैयारी आखिरत की होती है, वो भी लाजिम और ज़रूरी है, और एक तैयारी दुनिया की होती है जिसे बेहतरीन दुनिया कहा गया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुनिया की बेहतरी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है? यही है कि हम दुनिया के में बसने वाले लोगों की इमामत करें, क़यादत करें, हम गाइड करें लोगों को। लेकिन आज हमारी ये पोजीशन नहीं, जबकि सदियां पहले हम तारीख पढ़ेंगे तो हम ही सारी दुनिया को गाइड कर रहे थे, हम ही सारी दुनिया की क़यादत कर रहे थे। इसलिए मेरे भाइयों हम सोचें और गौर करें और अपने हालात को तब्दील करने की कोशिश करें। और ये कुर्बानी का जो जिक्र मैंने किया, ये अय्याम में कुर्बानी चल रहे हैं, कल मगरिब तक कुर्बानी का वक्त है, कल मगरिब तक यानी सूरज गुरूब होने तक कुर्बानी का वक्त है। ये अय्याम में तशरीक़ हैं, हमारी ईद है, आज भी ईद का दिन है और कल आखिरी दिन है ईद का। ये कुर्बानी जानवरों की कुर्बानी नहीं है, ये तो एक अलामत है, असल है ख्वाहिशात की कुर्बानी। हम अपनी उन ख्वाहिशात की कुर्बानियां कर दें जिन ख्वाहिशात की पाबंदी करके हम दुनिया में बहुत पीछे चले गए, उन ख्वाहिशात को कुर्बान करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए अपने मकाम को, अपने मनसब को समझने की, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की। अकुल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु काना गफ्फारा।